निश्चिंत रहिए, जिस ढंग से हम लोगों ने, हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव जी ने A to Z की पार्टी बनाई है, हर जातों को सम्मान। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो लोग, पत्रकार भाई लोग भी मुझसे पूछते हैं कि जम्मू एक पिछड़ा इलाका है, ऐसा कहने से बहुत दर्द होता है क्योंकि जम्मू मेरा। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी को हाथों को मजबूत करें ताकि बिहार पूरे देश में अपल रहे, हम लोगों को रोजगार मिल सके और लोगों को दिखाएं कि यहाँ इस बार बाहरी का कुछ नहीं चलेगा। स्थानीय उम्मीदवार आई है, मेरी बेटी है, बहन है, आप हमें जन सहयोग चाहिए, आपका आपका आशीर्वाद चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम अर्चना रविदास है और मैं इस जमुई जिला की बेटी हूं, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय नेता ने एक दलित की बेटी को जो सम्मान दिया है, इसके लिए आप लोगों की तरफ से और मैं अपने तरफ से उनको धन्यवाद देती हूं, उनका आभार प्रकट करती हूं। और साथ ही सिर्फ दलित ही नहीं, दलित की बेटी ही नहीं, एक महिला होने के नाते 50% आबादी जो कही जाती है महिलाओं को मिली है, उसका भी सम्मान हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया है, रखा है। और यहाँ के स्थानीय होने के नाते जो हम लोगों को सम्मान दिए हैं यहाँ के हमारे शीर्ष नेतृत्व नेताजी ने, उनके लिए मैं उनको आप लोगों की तरफ से और अपने तरफ से हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ साथियों, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जो 10 साल से यहाँ सांसद रह चुके हैं, किसी भी प्रकार का विकास नहीं किए। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो लोग, पत्रकार भाई लोग भी मुझसे पूछते हैं कि जम्मू एक पिछड़ा इलाका है, ऐसा कहने से बहुत दर्द होता है क्योंकि जम्मू मेरा घर है। अगर मेरे घर को कोई पिछड़ा इलाका कहे तो कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा और निश्चित रूप से आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या सम्मान में कमी दिए थे चिराग जी को? क्या उनको इतने बहुमत से वोट दिए, इतना सम्मान दिए, फिर कहाँ कमी रह गई हम लोगों में जो उन्होंने जम्मू को एक पिछड़ा इलाका ही बना के छोड़ दिया? 10 साल कम नहीं होता है दोस्तों, 10 साल जमुई क्षेत्र का विकास करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी विकास नहीं किया, यहाँ तक कि एक पानी की समस्या भी उन्होंने दूर नहीं कर पाए। तो आप लोगों से यही इस बार विनती करेंगे कि घर की बेटी, घर की बहन का लाज बचाएं, स्थानीय होने के नाते आप लोगों के बीच जो विश्वास करके हमको यहाँ नेताजी भेजे हैं, उनका सम्मान रखें, उनका विश्वास और इज्जत को बनाए रखें और लोगों को दिखाएं कि यहाँ इस बार बाहरी का कुछ नहीं चलेगा। स्थानीय उम्मीदवार आई है, मेरी बेटी है, बहन है, आप हमें जन सहयोग चाहिए, आपका आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरा हाथ मजबूत करें, महागठबंधन का हाथ मजबूत करें और बाहरी जो सत्ता यहाँ अपना स्थापित करके रखे हैं उनको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ, मैं फिर आप लोगों के बीच आऊंगी। आज हम लोगों के नेता के पास टाइम कम है, इसलिए आप लोग प्लीज अभी उनकी बातों को सुने और एक बार मेरे साथ नारा लगाएं, जय भीम, जय भीम, जय राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आपका आपका अपना अपना विवेक होता है, यो काबिल हरेक होता है, यो तो जमाने की अनेक रहनुमा, पर विजय सम्राट जैसा विधायक लाखों में एक होता है। अब मैं हम श्रवण कुशवाहा जी से आग्रह करते हैं कि वो आवे और सभा को संबोधित करने का काम करें। श्रवण कुशवाहा जी, आज शेखपुरा की इस पावन धरती पर चुनावी सभा में उपस्थित हम सबों के नेता, जन जन के नेता, बिहार के भविष्य भाई तेजस्वी यादव जी, यहाँ पर उपस्थित VIP के पार्टी के मुख्य मुकेश सहनी जी, यहाँ पर उपस्थित विधायक विजय सम्राट जी एवं यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे विधायक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पर उपस्थित माताएं एवं बहनें, सबसे पहले हम आप सबको नमस्कार और प्रणाम करते हैं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, भाई तेजस्वी यादव जी का, भाई मुकेश सहनी जी का एक संदेश लेकर आए हैं और मुझे नवादा लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बनाया गया है। जमुई जिला से अर्चना रविदास जी को राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बनाया गया है। हम चाहते हैं कि आपका एक एक वोट अपना बेटा भाई भतीजा समझकर, अपना बहन बेटी बहू समझकर जमुई में एक एक वोट आप करने का काम करें। और 19 तारीख को चुनाव होना है, नवादा में क्रमांक 3 पर है और जमुई में क्रमांक 1 पर है। आप निश्चिंत रहिए, जिस ढंग से हम लोगों ने, हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव जी ने
ए टू जेड की पार्टी बनाई है, हर जातों को सम्मान दिया है। वह किसी जाति मजहब से हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, या किसी जाति बिरादरी से आते हैं, सभी को सम्मान देने का काम किए। इसलिए आप सबों से नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे भाई तेजस्वी यादव जी को हाथों को मजबूत करें, ताकि बिहार पूरे देश में अव्वल रहे, हम लोगों को रोजगार मिल सके। वो सिंचाई हो, दवाई हो, कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। ये महंगाई वाली सरकार को भगाइए और कार्रवाई वाली सरकार को लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।